नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जनोदय में। आज हम खड़े हैं रोहिणी में, हमारा विशेष प्रोग्राम कोरोना की महामारी बाजारों में हाहाकारी, इसी विषय पर बात करते हैं सुशील जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि कोरोना चल रहा है, इसी विषय पर आप कुछ बताएंगे? हाँ जी, कोरोना के चलते हुए मार्केट में कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, इसी कारण हमारी दुकानें देखो जी बिल्कुल खाली पड़ी है। तो कोरोना से ज़्यादा जो अफवाहें उड़ रही है उससे भी ज़्यादा फर्क पड़ा है, उससे भी कस्टमर बाहर नहीं निकल रहा। जैसे जे सपोज कर लो जो बीजेपी वाले हैं, जैसे जे ज़्यादा जे कर रहे हैं इसकी जो जे हो रही है, क्या नाम है इसका, आम आदमी पार्टी के जो भी इसकी जो चेकिंग कर रहे हैं, उसमें जे केस ज़्यादा दिखा के समझ लो परिवारों में नाम निकलने की बोध कर रहे हैं ना, उस कारण भी कस्टमर मार्केट में कम आ रहे हैं जी। जे केस ज़्यादा दिखा के लोगों को डरा रहे हैं जी, ज़्यादा इतनी डराली बात नहीं। जैसे जे थोड़ी सी भी जे कोई कस्टमर या आम आदमी के थोड़ी सी भी जे इसकी मास्क वगैरह लगा के मार्केट में आते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ता जी, फर्क नहीं पड़ेगा जी। सर, पहले तो, के मुकाबले से कोरोना चल रहा है, आपके पहले के बिजनेस के मुकाबले जो बेनिफिट होता था, और इस कोरोना काल में आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है? 40-50 पैसे पड़ा जी फर्क। तो अब तो कस्टमर, पहले तो पूरी मार्केट में रौनक होती थी जी, त्योहारों के दिनों में जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी हमारी वाली मार्केट में जी, अब देखो खाली पड़ी है सारी मार्केट जी। सर, कल करवा चौथ था, उस पे पहले जो करवा चौथ आता था बैंक पूरी मार्केट भरी रहती थी, और कल था तो उस पे बेनिफिट आपको कितना हुआ पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले 50% काम है ना मैडम, जहाँ पे 50% काम था, करवा चौथ वाले दिन रश था, लेकिन इतना रश नहीं था जैसे पहले होता था। पहले कस्टमर के ऊपर कस्टमर होता था, लाइन लगी होती थी, कस्टमर वेट करता था हमारे उसके लिए जी। अब कस्टमर नॉर्मल कस्टमर है, अभी ज़्यादा कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर जी। सर, आप अपना और अपने आने वाले कस्टमर और अपने स्टाफ का कोरोना से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं? हम तो ये कस्टमर की सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, हर साढ़े जो लड़के स्टाफ के लड़के हैं तो सैनिटाइजर वगैरह रखा हुआ है, थर्मामीटर रखा हुआ है जी। हम कस्टमर को भी वन बाय वन दिखाते हैं जी, ऐसे नहीं कि एक ही काउंटर पे सारे कस्टमर को इकट्ठा कर लेते हैं जी, प्रिकॉशन तो रखा ही हुआ हमने जी, ऐसी कोई बात नहीं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बिजनेस भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं जी, कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी नहीं जितनी समझ लो मिनिस्टरों ने या आम बीजेपी वाले ने या आम आदमी पार्टी ने बना रखी है जी, इतनी वो है नहीं जी जितनी इन्होंने बना रखी है जी। हुन हमारे घर में 2-4 को कोरोना हुआ था जी, वो घर पे ठीक हो गए जी, कोई ऐसी बात नहीं जी। तो इन्होंने ज़्यादा जी टेस्टिंग वगैरह ज़्यादा कर किया ना जी, लोगों के अंदर इतना डर फैला दिया, जो बंदा नॉर्मल था वो भी कोरोना हो गया जी। मैं प्रिया तिवारी, कैमरामैन नितिन के साथ जन उदय। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।